सो गाइस, इतने दिनों से मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुड न्यूज़ ही देते आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जब भी कोई नया अपडेट आता है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि आज इस फ़ोन में और इस यूज़र्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज़ दे रहा हूँ। जी हाँ, एक बैड न्यूज़ जो कि Xiaomi Redmi Note 3 यूज़र्स के लिए है, MI 5 और MI 4 यूज़र्स के लिए है। तो अगर आप लोग Redmi Note 3, MI 4, MI 5 यूज़ कर रहे हैं वो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो अपडेट्स है वो सस्पेंड हो गया है इन यूज़र्स के लिए, यानी कि फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात पे मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और अपना जो ओपिनियन है, आप भी क्या सोचते हैं, वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस चैनल के अंदर मैं Redmi Note 3 का वीडियोस वगैरह अपलोड किया करता था, और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स जो है Redmi Note 3 यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये जो न्यूज़ है मुझे कल ही मालूम पड़ गया था, कल लगभग शाम को ही मुझे मालूम पड़ गया था। उसके बाद आप में से कुछ यूज़र्स ने मुझे कमेंट भी किया, कुछ यूज़र्स ने मुझे मैसेज भी किया कि Redmi Note 3 का अपडेट क्या अब नहीं आएगा। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी जवाब वगैरह नहीं था, लेकिन आज यानी कि अभी फाइनली मेरे पास जवाब है प्रूफ के साथ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे MI जो फोरम है वो खोल कर रखा हूँ, और ये जो है चाइना फोरम है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बात कुछ ये है कि Xiaomi की तरफ से जो चाइना फोरम है वहाँ पे कुछ बताया गया है Redmi Note 3 और Note 3 Pro। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले आया था Note 3 चाइना के अंदर MediaTek वाला वर्जन, उसके बाद Redmi Note 3 Pro Snapdragon वाला वर्जन जो कि इंडिया में या फिर ग्लोबली यूज़ करने हैं लोग। उसके अलावा Xiaomi का MI 5 जो कि Redmi Note 3 जब लॉन्च हुआ उसी के साथ लॉन्च हुआ था, जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है। उसके अलावा MI 4, MI 4C और MI 4S। तो बेसिकली मैं आज की इस वीडियो में तीन फोन्स के बारे में बताऊंगा, Redmi Note 3 Pro जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा MI 5 और MI 4 जो कि ये तीनों जो डिवाइसेस है वो इंडिया में अभी भी चल रहा है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि अभी भी इन सारे फ़ोन्स को यूज़ भी करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ Redmi Note 3। Xiaomi की तरफ से अपडेट्स कुछ इस तरह से आया कि वो लोग कह रहे हैं कि इसके बाद यानी कि MIUI, अगर मैं स्टेबल की पहले बात कर लेता हूँ, MIUI 10.2 के स्टेबल के वर्जन के बाद आगे का जो अपडेट्स वगैरह है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा ही कुछ खबर आया है, और एक्चुअली खबर नहीं है, कन्फर्मेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आगे भी आप लोगों को दिखा दूंगा, और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो MIUI 2 का स्टेबल वर्जन के बाद और कोई अपडेट्स नहीं आएगा, और ये जो MIUI 10.2 का जो अपडेट्स है वो जनवरी में आएगा। अभी मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रहा था कि वो लोग भी बता रहे थे कि जो Redmi Note 3 का जो अपडेट्स है वो जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, और मैं यहाँ पे 90% श्योर हूँ कि जो अपडेट्स है स्टेबल का वो हमें सबसे पहले दिसंबर में ही मिलेगा। हालांकि वो हो सकता है 10.1 हो सकता है या फिर 10.0 हो सकता है, उसके बाद 10.2 का अपडेट आएगा, उसके बाद अपडेट्स नहीं आएगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जनवरी तक हमें जनवरी से पहले MIUI 10 का अपडेट नहीं मिलेगा, तो आप भी मेरे ख्याल से गलत हो, क्योंकि दिसंबर में ही हमें MIUI 10 का जो अपडेट्स है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बीटा अपडेट्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि हाल ही में एक बीटा अपडेट रिलीज़ हुआ है, तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो MI फोरम पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो जो लेटेस्ट बीटा अपडेट्स है 8.11.22, तो ये भी जो अपडेट है ये लास्ट अपडेट होगा, इसके बाद भी कोई बीटा अपडेट्स नहीं आएगा। तो अभी मेरा क्या मानना है इस टॉपिक के ऊपर, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, Redmi Note 3 जब इंडिया में आया था तब उस टाइम पे कोई भी मेरे ख्याल से दूसरा कोई फोन्स वगैरह उतना अच्छा नहीं था। हाँ, एक इसका कंपटीटर था पहले, जिस तरह से जो बाकी सारे फ़ोन्स था, जिस तरह से पोको F1 आया, बाकी सारे जो भी कंपटीशन थे उस रेंज के अंदर सबको मात देके चला गया पोको F1, उसी तरह से Redmi Note 3 था। उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि K3 Note बहुत ज़्यादा बिके थे,
बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था फ़ोन, लेकिन सेम प्राइस के अंदर आप लोगों को उसमें सिर्फ 3000 mAh बैटरी, उसके अलावा 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट और रियर कैमरा मिलता था, उसके अलावा वो जो है प्लास्टिक बॉडी था, और उसमें जो है एक हीटिंग का इशू था, उसके अलावा मीडियाटेक वाला प्रोसेसर। और जब Redmi Note 3 ने अपना फ़ोन लॉन्च किया 16 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल फिंगरप्रिंट तब हमें देखने को मिल गया था 12,000-10,000 रुपये फ़ोन में, उसके अलावा 4000 mAh की बैटरी, मेटल बॉडी। तो इतना सारा, इतना सब कुछ दे दिया Redmi Note 3 के अंदर। और आप सभी अगर उस टाइम पे परचेस किए होंगे तो आप सभी को शायद मालूम ही होगा, और मैंने ही इस फ़ोन को फर्स्ट सेल में ही परचेस किया था, तो बहुत सारे बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को मिल गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उस टाइम के बाकी फ़ोन्स की, तो अगर आप या फिर आपके फ्रेंड्स में से किसी के पास भी अभी भी K3 Note यूज़ करते हो, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप लोगों को कितनी बार अपडेट आया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी लॉन्च की, तो फरवरी में इसका लॉन्च हुआ था 2016 में, और मार्च की शायद 6 तारीख या फिर 7 तारीख था जब इसका फर्स्ट सेल था। तो अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 3 साल तक हमें रेगुलरली अपडेट मिलता गया, और सबसे पहले इसका जो अपडेट आया था MIUI 7 पे आया था, उसके बाद MIUI 8 मिला, 9 मिला, 10 भी मिला। तो मेरे ख्याल से जो भी अपडेट्स वगैरह मिला वो बहुत ही बढ़िया मिला, 3 साल तक रेगुलर तो अपडेट मिला। और इसमें मुझे एक और चीज़ खास लगी कि जो भी अपडेट्स वगैरह आया वो Xiaomi ने हमें क्लियरली बता दिया। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई एक्सपेक्टेशन हम लोग को नहीं रहेगा कि हाँ इसके बाद कोई अपडेट आएगा कि नहीं, वो एक्सपेक्टेशन जो था निकल गया। उसके बाद जो भी बाकी सारी कंपनीज़ है वो आप लोगों को खुद से बताते भी नहीं कि इसके आगे अपडेट नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो कब मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। मेरे ख्याल से अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ, क्योंकि 3 साल तक एक कंपनी एक फ़ोन को अपडेट देता गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अगर इसके बाद भी अपडेट मिलता हमें तो एक बहुत ही अच्छी बात होता, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मैं इतना कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, मैं निराश भी नहीं हूँ Xiaomi के इस फैसले के ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि Redmi Note 3 जब लॉन्च हुआ तब एक साल तक इसका कोई कंपटीटर नहीं था, यानी कि Redmi Note 3 यूज़र्स अगर आप हैं तो आप लोगों को शायद पता होगा कि एक साल तक इसके जैसा कोई भी फ़ोन आप लोगों को मार्केट में नहीं मिला। अगर आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग एक फ़ोन परचेस करते हैं तो एक हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद कोई उससे भी बढ़िया फ़ोन आ जाता है मार्केट में, तब आप लोगों को थोड़ा सा मतलब निराश होता है कि हाँ ये फ़ोन अगर मैं थोड़ा टाइम रुक जाता तो शायद इस फ़ोन को मैं परचेस कर लेता, और जो कि Redmi Note 3 के टाइम पे नहीं था। एक साल तक ये फ़ोन आराम से चला जब तक Redmi Note 4 मार्केट में नहीं आया था। Redmi Note 4 की भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने खुद से देखा है कि Redmi Note 3 का जो रियर कैमरा है वो Redmi Note 4 से भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो Redmi Note 4 का अच्छा है, Redmi Note 3 का उतना अच्छा नहीं है। वैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि लाइको तो भी आया था, लेकिन लाइको आया था लेकिन वो कंपनी कब आया कब गया किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ऊपर से उस फ़ोन में जो एक प्रॉब्लम था वो 3.5 mm जैक जो हटा दिया गया था वो भी एक प्रॉब्लम था। तो एक साल तक Redmi Note 3 जो है काफ़ी अच्छा चला, मतलब इसके जैसा कंपटीटर मार्केट में नहीं था। और जब इसका कोई कंपटीटर नहीं होता है, आपकी जो आपने जो पैसा दे के इस फ़ोन को परचेस किया है उसका वैल्यू भी आप लोगों को पता चलता है। सो गाइज, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, अभी आपका ओपिनियन हो सकता है दूसरे टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे एक पोल है, तो इस पोल में ज़रूर से आप बताइए कि क्या इस फैसले के ऊपर क्या आप मुझसे सहमत है या फिर मुझसे सहमत नहीं है। लेकिन Xiaomi ने 3 साल तक अपडेट दिया तो वो भी काफ़ी एक बड़ी बात है। सो गाइज, ये था मेरा थॉट्स और ये था मेरा ओपिनियन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ये कि जब Redmi Note 3 आया उसी टाइम पे MI5 आया, और उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही Redmi 3S 3S Prime आया। लेकिन Redmi 3S 3S Prime यूज़र्स को अपडेट मिलेगा, इसके बारे में कोई भी फोरम में कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और जिन जिन फ़ोन का मैंने नाम लिया, जैसे कि सबसे पहले आता है Redmi Note 3,
जो चाइना वाला वेरिएंट है मीडियाटेक वाला, उसके बाद रेडमी नोट 3 प्रो जो इंडिया में लॉन्च हुआ, उसके बाद एमआई 5 जो इंडिया में लॉन्च हो गया था, उसके बाद एमआई 4 जो भी इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसके अलावा जो दो फ़ोन इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ था एमआई 4C और एमआई 4S, तो इन 5 फोन्स को जो है अपडेट्स नहीं मिलेगा आगे। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आपका क्या थॉट्स है, आपका क्या ओपिनियन है, आप इस न्यूज़ से क्या खुश है, क्या आपको दुख मिले, और क्या अगर आप लोग मेरी बात पे एग्री करते हैं तो यहाँ पे पोल है, तो उस पोल में ज़रूर से वोट कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लीजिएगा। छोटा मोटा अपडेट्स न्यूज़ में वहीं पर शेयर करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।